हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी एफडीटी 11 पे आप थे। आज मैं ड्रीम 11 में यहाँ पर पे क्रिकेट की टीम प्रोवाइड करूँगा, जो ऑस्ट्रेलियन T20 मैक्स मेन का मैच है, जो है वैली वर्सेस सैंडगेट रेड क्लिफ के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूँगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सिलेक्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। वैली और सैंडगेट रेड क्लिफ्स जो ये जो टीम है यहाँ पर पे वैलीस ने अपने 5 मैच पिछले 4 बार जीता है और यहाँ पर पे 1 मैच हारे थे। लास्ट मैच 7 विकेट से उनको जीत मिला था रेड लैंड्स के साथ, जो 7 विकेट से। और यहाँ पर पे जो अभी तक सैंडगेट रेड क्लिफ्स है, यहाँ पर पे पिछले 5 मैच में 4 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। लास्ट मैच 5 विकेट से उनको जीत मिला था नॉर्थर्न सुबह के साथ। और यहाँ पर पे जो अभी तक दोनों टीम के बीच 1 बार मैच हुआ है, जिनमें से वैली ने मैच जीता था। और यहाँ पर पे अच्छा बैटिंग पिच है, पेस बॉलर को अच्छा मदद मिलेगा और अच्छा वेदर भी है। मिनिमम 180 के ऊपर रन बन सकता है एज ए फर्स्ट इनिंग्स पे। यहाँ पर पे बैटिंग पे अच्छा चॉइस रख सकता है मचलेचन, क्योंकि लास्ट मैच में 17 रन बनाए थे बैटिंग पे, ये आपको विकेट कीपिंग पे भी पॉइंट दिला सकता है, तो एक अच्छा चॉइस रहेगा। बैटिंग ऑप्शन पे काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा यहाँ पर पे विंटर। यहाँ पर पे लास्ट मैच में यहाँ पर पे 93 रन बनाए थे यहाँ पर पे विंटर ने। वेदरल भी एक अच्छा चॉइस है 14-20 के आसपास, क्योंकि ये चल जाएगा तो काफ़ी बड़ा रन कर सकता है। और यहाँ पर पे वेगन लास्ट मैच में 91 रन बनाए थे, तो यहाँ पर से वेगन और विंटर को पिक किया। ब्रांड कभी कभी चलता है तो बड़ा इनिंग्स होता है, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो ये फ्लॉप रहता है। ऑलराउंडर सेक्शन पे विल्डर माउथ एक अच्छा चॉइस रहेगा। यहाँ पर से लास्ट 2-3 मैच में विल्डर माउथ ने नहीं खेला था, डिक्सन भी लास्ट मैच नहीं खेला था, फिर भी डिक्सन एक अच्छा चॉइस रहेगा। और मिल्स हर मैच में आपको 1-2 विकेट दिला के दे सकता है। अगर प्लेयर नहीं है तो यहाँ पर से कूपर एक अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि ये बॉलिंग पे भी आपको विकेट दिलाएगा, मिनिमम 50 के आसपास आपको ड्रीम 11 स्कोर दे सकता है। बॉलिंग ऑप्शन पे यहाँ पर से काफ़ी पेस बॉलर जो है यहाँ पर पे स्टिकटे वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। यहाँ पर पे लास्ट मैच में यहाँ पर पे 2 विकेट लिया था, एक अच्छा चॉइस रहेगा। बॉयस के पास एक्सपीरियंस है, ये भी आपको 1-2 विकेट दिला के दे सकता है। स्वेपसन का बॉलिंग वेरिएशन काफ़ी बढ़िया है, ये भी एक अच्छा चॉइस रह सकता है। और यहाँ पर पे लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला था। और यहाँ पर पे स्ट्रेकर एक अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि स्ट्रेकर का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा था यहाँ पर पे, काफ़ी बढ़िया राइट आर्म मीडियम पेसर है और 2 विकेट लास्ट मैच में लिया था। हर मैच में 1-2 विकेट आपको दिला सकता है। यहाँ पर पे 1-2 खिलाड़ी और भी है, जैसे बाकली है, थॉमस है, ये भी काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। यहाँ पर पे मैं बैटिंग ऑप्शन पे वेदरल को ही पिक कर लूँगा। यहाँ पर से मैकडोनल्ड भी एक अच्छा चॉइस रहेगा। देख लिए, ये मेरा फाइनल टीम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। विंटर यहाँ पर पे रहेगा, डिक्सन यहाँ पर से, अगर विल्डर माउथ नहीं होंगे तो डिक्सन एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन आ सकता है। कूपर एक अच्छा चॉइस आ सकता है। यहाँ पर पे बॉयस को भी कैप्टन कर सकते हो। स्वीपसन स्टिकटेट काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। कैप्टन ऑप्शन पर यहाँ पर से अभी तक मैं पिक करूंगा, यहाँ पर पे विंटर को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन यहाँ पर पे डिक्सन को बनाऊंगा। ये रहेगा अभी तक मेरा टीम। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन पर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गाइस। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। आप हेड टू हेड खेलिए, स्मॉल लीग खेलिए, ज़्यादा से ज़्यादा विन करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।